So guys, आज हम बात करने वाले हैं OnePlus के आने वाले एक नए फोन के बारे में जिसका नाम है OnePlus Nord 3। यार देखो, जो कि बहुत ज्यादा टेक के अंदर घुसे पड़े ना, जैसे कि हम लोग, आप लोग, हमें बताया कि आजकल OnePlus जो है वो काफी ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो काफी सारे डाउनग्रेड्स कर रहा है और OnePlus के फोन वैसे रहे नहीं है क्योंकि UI भी थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। हाँ, काफी ज्यादा ओप्पो से इंस्पायर्ड है क्योंकि अभी ओप्पो के अंडर ही आ चुका है एक तरफ से, क्योंकि मर्जर हो चुका है। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे अभी घूमने गया था गोवा एंड मैंने और भी अपने रिलेटिव्स के साथ यहाँ पे एंगेज किया तो पता चला लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है अभी भी OnePlus के फोन में। लोग पूछते हैं, भैया OnePlus का नया फोन कब आ रहा है, मेरे को फोन लेना है, मैं OnePlus का फोन लेना चाहता हूँ। मैं उनको डेफिनेटली बोलता हूँ कि आप OnePlus की जगह iQOO के साथ जाएं, Realme के साथ जाएं, कोई और ब्रांड ले ले, Samsung ले ले, बट अभी के हिसाब से मुझे OnePlus बेटर ऑप्शन नहीं लगता है। बट स्टिल पीपल आर लाइक, नहीं, हमें OnePlus का फोन लेना है। तो ठीक है, उनके लिए OnePlus Nord 3 इज कमिंग। अब इस फोन के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ, ये फोन कैसा दिखता है, तो ये आपके सामने है। जी, ये रहा वो फोन, OnePlus Nord 3। वैसे मैं आपको सच बताऊँ, ये ना Oppo का Reno 8 Pro है, बट यहाँ पर ना Oppo के अंडर आने के बाद OnePlus जो है वो सारा कुछ Oppo से ले रहा है। एंड यहाँ पर ना यही होने वाला है कि Oppo जो फोन निकालेगा ना, वो कहीं ना कहीं रीब्रांड होकर OnePlus के ब्रांड में भी आने वाले हैं। Nord 3 भी कुछ ऐसा ही देखने को लगने वाला है, बिल्कुल डिट्टो भी हो सकता है, और यहाँ से Oppo की ब्रांडिंग हट के यहाँ पे OnePlus की ब्रांडिंग लग जाएगी, कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसी बिल्ड क्वालिटी होगी, तो यानी कि यहाँ पे ग्लास देखने को मिल सकता है, प्लस यहाँ पे Oppo ने काफी अच्छा फ्रेम दिया था आपको, OnePlus जो है वो प्लास्टिक का प्रोवाइड करेगा, बट ऐसा ही देखने को लगेगा और बिल्कुल ऐसा फोन आपको प्रोवाइड कर सकता है। बट एक चीज बोल सकता हूँ, ये जो फोन है ना, काफी ज्यादा लाइट वेट है, काफी ज्यादा स्लिम है, और यहाँ पे ना ये फ्लैट एजेस जो मतलब निकलते ना कैमरा से, ये काफी ज्यादा तगड़ा सा बनता है। बट यहाँ पर ना एक और चीज बोलूंगा कि ये फोन ना हैंडी बहुत ज्यादा है, तो मेरे को लगता है कि Nord 3 भी काफी ज्यादा वही वाली फीलिंग देगा। एंड ये काफी यूनिक से लुक के साथ आता है, मुझे तो ये फोन डेफिनेटली काफी ज्यादा सुंदर लगता है। तो प्लस अगर ये OnePlus के अंडर आता है डिजाइन, तो मैं कहूंगा कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। बट हाँ, रीब्रांडिंग को मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता, बट एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो सुनने को मिल रहा है 6.43 इंचेस की डिस्प्ले होगी, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होने वाला है, जो कि Nord 2 में था बिल्कुल वैसी ही डिस्प्ले होगी। और यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का ही पैनल देखने को मिल जाएगा, प्लस 180 हर्ट्ज का टच सैंपल रेट देखने को मिल जाएगा। हाँ, फ्लैट डिस्प्ले, कोई ऐसा कर्व वर्व नहीं होगा, तो कुछ ऐसा ही फोन आपको देखने को मिलेगा। बट द थिंग इज, बोरिंग OnePlus, कुछ तो नया करता OnePlus, 120 हर्ट्ज दे देता एटलीस्ट, बट जो कि अभी तक सुनने को मिल रहा है Nord 3 में यही सब होगा। आई विश कुछ चेंजेस लेकर आए अगर OnePlus, तो मुझे अच्छा लगेगा। स्पेक्स के बारे में बात करें तो MediaTek Dimensity 8100 इसके अंदर देखने को मिलता है, मैंने इसको टेस्ट किया है, इवन की और फोन्स को भी टेस्ट किया है इस प्रोसेसर के साथ, ये काफी ज्यादा तगड़े वाला प्रोसेसर है, इसमें 90fps गेमिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, और इस फोन में OnePlus के Nord 3 में भी यही वाला प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। आई रियली विश कि यहाँ पे कुछ एक अच्छा वाला, और ज्यादा अच्छा वाला प्रोसेसर हो सकता था, लाइक Dimensity 9000 या फिर Dimensity की जगह आप Snapdragon पे शिफ्ट करते, बट यहाँ पे 8100 होने वाला है, जो कि हमें आजकल काफी ज्यादा सस्ते में मिल जाता है। एंड हाँ, बेस में 6+128GB। कैमरा में भी चेंजेस नहीं करने वाला OnePlus, यहाँ पे 15 मेगापिक्सल का IMX766 रहेगा, साथ में 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट्स हो सकती है, बट बहुत ज्यादा बड़ा वाला मेजर चेंज नहीं आएगा फोटोज में। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रहेगा, विच विल बी वेरी डिसेंट, बट ठीक है। 4500mAh की बैटरी रहने वाली है, बट यहाँ पर एक तगड़ी चीज होने वाली है, वो है 150 वॉट का चार्जर, जो कि ऑलरेडी हम रियलमी के फोन में देख चुके हैं, विच इज इनसेन। प्राइसिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये फोन रहने वाला है कुछ 30,000 के नीचे, बट वो नहीं मेरी चिंता कुछ और ही है। देखो, चिंता ये है कि जो Nord 2 था वो काफी ज्यादा ब्लास्ट हुआ था, हमें आए दिन खबर आती रहती थी Nord 2 यहाँ ब्लास्ट हो गया, Nord 2 वहां ब्लास्ट हो गया, Nord 2 ऐसे ब्लास्ट हो गया, Nord 2 वैसे ब्लास्ट हो गया। फॉर्चुनेटली Nord 2T जो है उसके साथ ये वाली दिक्कतें हमें नहीं देखने को मिली। एंड आई एम विशिंग, आई एम होपिंग कि इस बार भी OnePlus Nord 3 जो है वो आएगा, लोग खरीदेंगे और ब्लास्ट वाले सीन्स बिल्कुल भी नहीं होंगे, और फोन काफी ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांस है अगर ये अपनी UI को बहुत ज्यादा इंप्रूव और ज्यादा करेंगे। क्योंकि यहाँ में ना मर्जर के बाद जो कलर OS का यहाँ पे मिश्रण आया ना, कलर OS के साथ और ऑक्सीजन के साथ, वो एकदम से OG वाला नहीं है, तो जो यहाँ पे OG ऑक्सीजन OS होता था ना, वो वाली चीज हमें देखने को नहीं मिलती है। बट यहाँ पे हाँ, क्या ये मैं कह सकता हूँ कि ओरिजिनल कलर OS से बेटर है अभी भी ऑक्सीजन OS, बस स्टिल आई एम सेइंग कि यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ऑप्टिमाइज किया जाए, कैमरा को यहाँ पे इंप्रूव किया जाए, तो ये फोन धमाल मचा सकता है। OnePlus की ब्रांडिंग ही काफी है लोगों में, यहाँ पे मैंने एक चीज तो नोट अभी भी कर रहा हूँ। मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा ये फोन आपको कैसा लग रहा है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना शामिल करके गाइस, कीप रॉकिंग, कीप शाइनिंग एंड लव यू।